दोस्तों आप इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है वो क्या जानते हो? आप बोलोगे सोना है, हीरा है या किसी प्रकार की धातु जो कि या तो रेयर है या बहुत बहुत कम जगह मिलती है, यही है ना। मैं बोलूंगा ये सब गलत है, पर जो सबसे महंगी चीज मैं आपको बताऊंगा वो है लकड़ा। आप हीरे की कीमत लगा लो, सोने की कीमत लगा लो या किसी और चीज की कीमत लगा लो, मैं बोलूंगा ये लकड़ा $1,00,000 में 1 किलोग्राम सबसे उत्तम श्रेणी का आपको बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में इसका भाव मिल जाएगा। तो सोचिए कितना महंगा है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, झुकूंगा नहीं। दोस्तों अब इस वीडियो से मिसगाइडेड मत होइए। जरूर इस मूवी में ये दिखाया गया था कि जो लाल चंदन है ये बहुत ही महंगा है। ऑब्वियसली ये भी बहुत महंगा है और बहुत कम पाया जाता है और इसकी भी तस्करी होती है, जैसे कि मैं जो वुड की बता रहा हूँ उसकी भी तस्करी होती है। पर ये जो वुड है ये क्यों इतना महंगा है, ये कहाँ पाया जाता है और इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है और ये भारत में कहाँ पाया जाता है, भौगोलिक दृष्टिकोण में ये कहाँ ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इस अद्भुत पेड़ के बारे में बताऊंगा जो कि भारत में भी पाया जाता है और इससे कितनी कमाई की जा सकती है। तो क्या है ये पेड़, इसका राज क्या है, पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस लकड़ी का नाम बताता हूँ। इस लकड़ी का नाम है अगरवुड। ये भारत में एक गॉड, जिसको बोलते हैं ना गॉड का दिया हुआ गिफ्ट के रूप में माना जाता है आपको, जो अगरबत्तियों में भी इसका ऑयल यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस पेड़ से जो राल निकलता है उसको ऑउड ऑयल भी बोलते हैं, इसको जापान में क्यारा भी बोलते हैं। ये वुड ज्यादातर जापान, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में थोड़े से अगर आप मानो तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। बिजनेस इनसाइडर की न्यूज के हिसाब से माने तो एक अगरवुड, 1 किलोग्राम के अगरवुड का जो प्राइस है वो है $1,00,000, यानी कि 73 लाख to 75 लाख रुपया तक, माने इसका 1 किलोग्राम का ये बिकता है। आप सोचो आज के दिन सोना इतना महंगा होने के बाद भी 53 लाख रुपया पर किलो के हिसाब से मिलता है। तो ये तो समझ में आ गया सबसे महंगी लकड़ी होती है। और ये इसकी जो तस्करी होती है ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर इसकी तस्करी होने के कारण इसके स्कैसिटी बढ़ गई है। भारत में इसकी खेती इतनी नहीं होती। ये जनरली आपको ज्यादातर जो बड़े बड़े परफ्यूम कंपनी है वर्ल्ड की, वो ये सब ऑयल खरीदते हैं क्योंकि उनकी परफ्यूमरी में ये ऑयल काम आता है। अगर इसके ऑयल का अगर एक छोटा सा बॉटल निकाले तो वो लगभग 25 लाख रुपया का होता है। और आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट में भारत में सबसे ज्यादा पानी का आशंका, इसको जो मौसम चाहिए वो वहां पर मिलता है। उड़ीसा में भी कई जगह है, अगर आपके पास जमीन है नॉर्थ ईस्ट में और आपके पास उड़ीसा में या भारत के ऐसे प्रांत में जहां पर लगभग नमी है, माने 3 से 4 महीना तक इसको बारिश चाहिए, माने इसको पनपने के लिए, इसको ग्रो होने के लिए, इसके जो रिजल्ट्स है इसको आने के लिए, तो आप जरूर इस पेड़ की खेती कीजिए। आपको लंबे समय तक कोई भी दूसरी कमाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने बताया कि एगरवुड से वुड निकल जो ऑयल निकलता है वो ऑयल आपको 25 लाख रुपए में इतना बिकता है। ये बड़ी बड़े परफ्यूम कंपनी, अगरबत्तियों की कंपनी, ये सब इनको खरीदती है, मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर ये नेचुरल तरीके से निकलता है, जैसे कि कोई कीड़ा इसमें नेचुरली अंदर घुसता है और वो बाहर निकलता है, उसके बाद वो होल बन जाता है, वो होल आप देखोगे वो एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। वो होल अगर आपने मार्क किया और उस मार्क को पूरा काटोगे तो उसमें काला काला पार्ट निकलेगा, वो काला काला पार्ट ही सबसे महंगा होता है। अगर वो नेचुरल तरीके से बनाए तो उत्तम श्रेणी का है। अगर दूसरी श्रेणी से बनाए, यानी कि अगर आप उसमें फंगस डालते हैं, उसमें नेचुरल तरीके से नहीं पर लोग इसको प्रोसेस करके फंगस डालते हैं, उसमें कीड़ा डालते हैं ताकि वो सड़े, और वो जब सड़न पैदा होती है वो सड़न ही एक काले रंग की होती है और वही बिकती है। उसके ऊपर भी श्रेणी होती है, जो उत्तम श्रेणी का होता है वो सबसे ज्यादा दाम में बिकता है, जो कम श्रेणी का होता है वो थोड़े कम दाम में बिकता है। पर ये बिकता जरूर है क्योंकि इसके खरीदार बहुत है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। इसकी जो तस्करी होती है उसके कारण इसकी स्कैसिटी बढ़ गई है। भारत में इसकी चर्चा होने चालू हो गई है, लोग इसकी खेती करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। मैं बोलता हूं अगर आपके पास जमीन है तो आप भी कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अगरवुड के बारे में क्या जानकारी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।